मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में CAA के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के रवैये पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को भयानक बताया है। अब तक उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसक झड़प में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिस तरह से पुलिस द्वारा घरों में घुसकर मारपीट की खबरें सामने आई है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों पर पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। एक के बाद एक सोशल मीडिया में पुलिस की इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं। स्वरा भास्कर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी पुलिस द्वारा तोड़फोड़ से इनकार कर रहे हैं, मगर इनकार करने के बाद इनके एक नई वीडियो सोशल मीडिया में पुलिस की तोड़फोड़ की वायरल हो जाती है। योगी सरकार ने तोड़फोड़ करने वालों से भरपाई, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर वसूलने की बात कही थी और पुलिस इन लोगों की पहचान कर धरपकड़ भी तेज कर दी है, मगर सोशल मीडिया में कई पुलिस वाले प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। तो योगी सरकार की नीलामी की बात पुलिस पर भी लागू होती है। इसी तरह से पुलिस द्वारा तोड़फोड़ पर सरकार और पुलिस पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कई सवाल खड़े किए हैं। जहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसने एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और एक ख़ास समुदाय मुसलमान समुदाय के जो नागरिक हैं, उन पे ऐसा लग रहा है कि एक किस्म से एक जंग छेड़ दी है और उनकी अपनी परिभाषा के अनुसार वो बदले की भावना से अब काम कर रहे हैं। वो जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बहुत ही गंभीर वीडियोज़ हैं, जहाँ पे वो घरों में घुस के चीज़ें तोड़ रहे हैं, वो निहत्थों पे लाठी बरसा रहे हैं, वो निहत्थों पे शूट बुलेट्स वो कर रहे हैं। और बार बार हमने देखा है कि उनके जो पुलिस का अपना बयान है, जहाँ वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अगले दिन एक वीडियो आ जाता है जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, वो वही चीज़ कर रहे हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, वैंडलिज्म जो है वो पुलिस कर रही है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि अगर जिसका काम है कानून की रखवाली करना, अगर वही कानून तोड़ेंगे और अगर दंगाइयों और पुलिस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जो आम नागरिक है वो किसके पास जाएगा अपनी कंप्लेंट लेके? क्योंकि अब तो हमें ऐसी स्थिति में जहाँ पे तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो आदमी यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म की कुछ इज्जत होती है, हमारे मन में उसका एक मतलब होता है, आपने वो सारा मतलब ख़त्म कर दिया हमारे लिए। हमारा एक विश्वास है उस यूनिफॉर्म पे, आपने वो सारा विश्वास तोड़ दिया। अब आदमी यूनिफॉर्म देख के डर रहा है, भाग रहा है। तो पहले हम चोर से भाग के यूनिफॉर्म की तरफ जाते थे, अब हम यूनिफॉर्म से भाग रहे हैं। तो ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना। किसी नहीं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और जो लोग मांग कर रहे हैं कि हम पैसे लेंगे और हम भरेंगे, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस ही रिकॉम्पनसेशन कर दे जितनी उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी है उसकी। और मुझे लगता है कि जो अपील कर रहे हैं हम शांति के लिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि किसी भी किस्म की हिंसक और हिंसा, चाहे वो जो भी विरोध कर रहा हो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो निंदनीय है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।